सोचिए अगर आपके साथ ऐसा हो कि आप बहुत सारी शॉपिंग करके आए हो और घर पर अगर आपको पता चले कि वो सारी जो ड्रेसेस थी, जो भी आपने खरीदा, वो सब आउट ऑफ फैशन है, यानी आउट ऑफ ट्रेंड है, बुरा लगेगा ना। तो बस यही गलती हम कीवर्ड रिसर्च के दौरान ना करें, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं एक कीवर्ड के ट्रेंड की। कीवर्ड्स तो हमने सेलेक्ट कर लिए, लेकिन ये जानना कि वो कीवर्ड ट्रेंडिंग है या नहीं, कहीं वो आउट ऑफ फैशन यानी आउट ऑफ ट्रेंड तो नहीं है, और कैसे हम उसका फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेश कीवर्ड्स एंड एवरग्रीन कीवर्ड्स के बारे में। तो ये क्या है, कैसे यूज करेंगे, जानेंगे इसी एक वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WsCubeTech चैनल। सो जैसा मैंने बताया, आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड्स के ट्रेंड के बारे में, और उसके लिए हम यूज करेंगे गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स बेसिकली गूगल का ही एक टूल है, जो कि हमें ये बताता है कि किसी टॉपिक पर, किसी कीवर्ड पर कैसा ट्रेंड चल रहा है और आने वाले टाइम में भी कैसा ट्रेंड उसका रहेगा, क्या वो हाइप पर जाएगा या फिर वो डाउनफॉल उसका आ जाएगा। तो ये हम गूगल ट्रेंड्स की हेल्प से समझ सकते हैं, और काफ़ी अच्छा टूल है। और ऑब्वियसली बात है कि गूगल का ये खुद का टूल है, तो हमें काफ़ी एक्यूरेट रिजल्ट ये देता है। यहाँ पर आप वर्ल्ड वाइड नहीं बल्कि कंट्री वाइज भी किसी टॉपिक का ट्रेंड देख सकते हो, साथ ही आप इंडिया में ये भी देख सकते हो ये पर्टिकुलर कीवर्ड या फिर ये पर्टिकुलर टॉपिक किस स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलर चल रहा है। और इसी के साथ साथ आप दो कीवर्ड्स को यहां पर कंपेयर कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए आपके पास कीवर्ड्स बहुत सारे हैं, आपको चूज करना है कि किस कीवर्ड को चूज करें, तो डेफिनेटली हम ऐसे कीवर्ड को चूज करेंगे जिसका ट्रेंड ज्यादा है या फिर आने वाले टाइम में उसका ट्रेंड और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो ये चीज हम कैसे पता लगाएं, इसके लिए चलिए चलते हैं गूगल ट्रेंड्स पर। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल ट्रेंड्स पर। तो गूगल ट्रेंड्स आप नॉर्मली गूगल पर भी टाइप कर सकते हैं, तो फर्स्ट वेबसाइट यही खुलेगी, नहीं तो आप trends.google.com, ये वेबसाइट भी, यहाँ पर ये URL भी टाइप कर आप इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। जैसे ही मैं ये वेबसाइट ओपन करूंगी, तो कुछ इस तरह का हमारा ये इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो इससे पहले, मतलब इस ट्रेंड को यूज़ करने से पहले, हम बात कर लेते हैं एवरग्रीन और फ्रेश कीवर्ड्स के बारे में। देखिए, फ्रेश कीवर्ड्स क्या कीवर्ड्स होते हैं, जो कि अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, पहले लोग उनके बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन अभी ये कीवर्ड्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं अभी के टाइम में, मतलब करंट के टाइम में। सो हो सकता है आप 2023 में अगर आप मान लीजिए एसईओ कर रहे हैं, तो उस टाइम जो पॉपुलर कीवर्ड चल रहा होगा, बहुत ज़्यादा हाइप पर होगा, वो हमारा फ्रेश कीवर्ड होगा। और ऐसा कीवर्ड जो कि पहले भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, अभी भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और उसकी प्रेडिक्शन है कि वो आने वाले टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रहेगा, उन कीवर्ड्स को हम बोलते हैं एवरग्रीन कीवर्ड्स। ठीक है, सो ये था फ्रेश कीवर्ड्स और एवरग्रीन। फ्रेश कीवर्ड्स और एवरग्रीन कीवर्ड्स के एग्जाम्पल्स भी हम गूगल ट्रेंड्स पर ही देखेंगे, क्योंकि गूगल ट्रेंड्स पर ही हम बेटर जज कर सकते हैं फ्रेश कीवर्ड या फिर ट्रेंडिंग कीवर्ड कौन सा है और एवरग्रीन यानी एवरलास्टिंग कीवर्ड कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका इंटरफेस दिखा देती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी सर्च आप टॉपिक कर सकते हैं या फिर कोई टर्म यहाँ पर लिख सकते हैं, बेसिकली कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पर लिखिए, और ये गूगल ट्रेंड्स आपको ये बताएगा कि उसका ट्रेंड कैसा रहा है। ठीक है, सो जैसे मैं यहाँ पर कोई भी कीवर्ड जैसे टाइप करती हूँ, जैसे मैंने टाइप किया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग टाइप करने के बाद ये देखिए इस तरह से एक ग्राफ आपके सामने ओपन होगा, और आप देख सकते हैं जैसे ये देखिए यहाँ पर ये रेंज दी हुई है 25 से लेकर 100, यानी टोटल 100 तक ये रेंज दी हुई है, और ये हमारा ग्राफ चल रहा है, और यहाँ पर नीचे ये डेट दी हुई है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कुछ फिल्टर्स हैं, जैसे ये इंडिया की टर्म है, आप इसको वर्ल्ड वाइड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोकेशन चेंज करेंगे, डेफिनेटली ये ग्राफ भी चेंज हो जाएगा, और पास्ट 12 मंथ्स का भी डेटा दिखाई दे रहा है। आप इसको पास्ट 7 डेज का कर सकते हो, पास्ट 4 डेज का कर सकते हो, लास्ट आवर का कर सकते हो, ठीक है, और पास्ट 5 इयर्स का भी ये आप डेटा कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर कैटेगरीज हैं, तो कैटेगरीज में आप इसकी कैटेगरी पर्टिकुलर सेलेक्ट कर सकते हो, बट ये इतना काम का ऑप्शन नहीं है। वेब सर्च है, तो अब यहाँ पर आप वेब सर्च यानी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड वेब पर इसका ट्रेंड कैसा रहा है, इमेज के ऑप्शंस में इसका सर्च कैसा रहा है, न्यूज में कैसा रहा है इस पर्टिकुलर टर्म का ट्रेंड, या फिर गूगल शॉपिंग के हिसाब से, या फिर यूट्यूब सर्च के हिसाब से। सो इवन यूट्यूब के भी ट्रेंड का एनालिसिस आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जब यूट्यूब का कोर्स आया था उसमें मैंने आपको बताया था कि गूगल ट्रेंड्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं, बेसिकली यूट्यूब के कीवर्ड्स को जज करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर मैं अभी वेब सर्च पर क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, एंड वर्ल्ड वाइड कर दिया है, पास्ट 5 ईयर्स का मैंने ये ट्रेंड देख लिया, मैं इसको वापस से पास्ट 12 मंथ्स का कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये ग्राफ हमें कुछ कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है ये देखिए।
कि ये जो हमारा कीवर्ड था ना, बेसिकली ये कहते हैं कि 50 से ज्यादा अगर आपका ग्राफ जा रहा है ना तो मतलब वो काफी ट्रेंडिंग है। तो आप देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग का ग्राफ ना कभी भी 50 से नीचे नहीं आया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये जो zigzag साइन है ना, ये प्रिडिक्टेड साइन है, प्रिडिक्शन है ये, ठीक है। सो ये देखिए, ये यहाँ पर ऐसे साइन चल रहा है और गूगल के अकॉर्डिंग ये जो कीवर्ड है ना, ये इसका डाउनफॉल आएगा, यानी ये नीचे गिरेगा, यानी इसकी ट्रेंड थोड़ा सा खत्म होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं गूगल के प्रेडिक्शन के अगेंस्ट में, अगर मैं बात करूं तो काफी ट्रेंडिंग ये टॉपिक चल रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यहां से कोई भी कीवर्ड आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहां पर टाइप किया क्लास 10th रिजल्ट, ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो ये देखिए क्लास 10th के रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए इस तरह से इसका ट्रेंड रहा है, और गूगल के प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग की पास 12 मंथ्स के हिसाब से देखा जाए तो ये डाउनफॉल आएगा, यानी ज्यादा ट्रेंडिंग नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पास्ट 4 आवर्स की मैं बात करूं, क्योंकि देखिए इस तरह से zigzag रहा है, यानी कभी ये बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, कभी बिल्कुल नीचे आ गया है, तो एक थोड़ा सा फ्लक्चुएटिंग सा इसका ट्रेंड रहा है पास्ट 4 डेज की। और अगर मैं इसी को ही 5-30 डेज का कर देती हूं तो ये देखिए काफी अच्छा हाइक इसका आया था, हो सकता है इस टाइम कोई न्यूज आई हो। सो इस तरह से आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेश कीवर्ड और एवरग्रीन कीवर्ड्स को कैसे पहचाने, ठीक है। अब जैसे मैं एक फ्रेश कीवर्ड का एग्जांपल लेती हूं, देख जैसे कि आप सभी को पता है कि पंजाब में इलेक्शंस चल रहा है, ठीक है। सो पंजाब इलेक्शंस मैंने एक कीवर्ड टाइप किया और इसका आप थोड़ा सा एक एनालिसिस देखेंगे, अगर पास 30 डेज का है, मैं इसको पास 12 मंथ्स का एक बार करके आपको बता देती हूं। तो ये देखिए, ये कीवर्ड इस तरह से पहले ट्रेंडिंग पे नहीं था, लेकिन अभी ये एकदम से ट्रेंडिंग पर आ गया, ठीक है। और इसका डाउनफॉल तय है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म चीज है, ठीक है। इलेक्शंस खत्म हुए, रिजल्ट आया, उसके बाद किसको फर्क पड़ता है, ठीक है। सो ये देखिए, ये एकदम हाइट्स पे पहुंच गया, यानी 100 तक चला गया है ये रेशो, और अभी चल रहे हैं इलेक्शन, तो ऑब्वियसली बात है ये अभी हाइप बनी हुई है। तो भले मैं न्यूज़ की बात करूं, भले मैं वेब सर्च की बात करूं, चाहे मैं ब्लॉग्स की बात करूं, इस पर बहुत चर्चा हो रही है। तो ये एक ऐसा कीवर्ड है, देखो मेरे को ग्राफ से ही पता चल रहा है कि ये एक फ्रेश कीवर्ड है, क्योंकि इसकी हाइप अभी क्रिएट हुई है, थोड़े टाइम बाद में नहीं रहेगी। तो ये एक फ्रेश कीवर्ड है, पहले इसकी कोई इतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी, इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था, अभी ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है, ठीक है। और आने वाले टाइम में इतना ज्यादा पॉपुलर ये नहीं रहेगा, ठीक है, ये डाउनफॉल मुझे ये बता रहा है। उसी के साथ ही जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे सबको पता है कि पुष्पा मूवी आई थी, ठीक है। तो मैंने पुष्पा ये टाइटल टाइप किया और आप देख सकते हैं ये फ्रेश कीवर्ड का बेस्ट एग्जांपल है। ट्रेंड कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं टाइप करता था, लेकिन ये देखिए, अगर मैं बात करूं दिसंबर की, जब मूवी का रिलीज या फिर उसका ट्रेलर वगैरह आउट हुआ था, तब से ये ट्रेंड बहुत ही अच्छा रहा है और डेफिनेटली ये डाउनफॉल जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल है, एक फ्रेश कीवर्ड का एग्जांपल है कि ये कीवर्ड अभी हाइप में है, अभी सब पुष्पा सर्च करें, पुष्पा के सॉन्ग्स, उसके डायलॉग्स, उसके मीम्स, ठीक है। तो ये अभी काफी एक फ्रेश कीवर्ड बना हुआ है, या फिर मैं इसको कह सकती हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है। लेकिन ये जो फ्रेश कीवर्ड है कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, ये इसकी डाउनफॉल आ जाएगा, ठीक है। सो ये एक एग्जांपल हमने देख लिया। उसी के साथ ही अगर मैं एवरग्रीन कीवर्ड की बात करूं, जैसे कि मैं बात करती हूं एसईओ की, ठीक है, एसईओ मैंने यहां पर टाइप किया। देखिए अब अगर मैं एसईओ की बात करूं तो देखिए 50 से मतलब 5 साल पहले मैंने यहां पर लोकेशन, यहां पर ये टाइम चेंज कर दिया है, मैंने पास 5 इयर्स कर दिया है, तो 5 इयर्स से इसका ट्रेंड जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले भी ट्रेंडिंग था और अभी भी ये काफी ज्यादा हाइप में है, ठीक है। इसको प्रेडिक्शन पर ना जाए तो हम देख सकते हैं कि ये एक एवरग्रीन टॉपिक है, पहले भी ये पॉपुलर था, अभी भी ये पॉपुलर है, और टाइम के साथ ये और पॉपुलर होता जाएगा, क्योंकि ग्राफ इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। उसी के साथ ही कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं कीवर्ड टाइप करती हूँ लैपटॉप, ठीक है। तो लैपटॉप के केस में भी आप देख सकते हैं कि 5 इयर्स है, मैं इसको 12 मंथ्स करके भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये वाला जो कीवर्ड है, ये देखिए सेम तरीके से रहा है और इसकी डिमांड हमेशा 75 से ऊपर ही रही है, मतलब ट्रेंड इसका काफी अच्छा रहा है। तो ये एक एवरग्रीन कीवर्ड का एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। सो आई होप अब आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा कि फ्रेश कीवर्ड क्या होता है और एवरग्रीन कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब सवाल आता है कि इन ट्रेंड्स को हम यूज कैसे करेंगे, हमारे क्या काम के हैं जब हम SEO कर रहे हैं। देखिए SEO में जब भी आप कोई कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप ये तो जरूर जानना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए आपको ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूं कि SEO में रिजल्ट दिखने में थोड़ा टाइम लगता है, 6-7 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन हो सकता है आपने कोई कीवर्ड यूज किया और तब तक वो आउट ऑफ फैशन हो गया, यानी आउट ऑफ ट्रेंड चला गया, तो ऐसे में आपको लॉस हो सकता है क्योंकि आपने इतने एफर्ट्स दिए होते हैं। सो ऐसे में सही कीवर्ड को सिलेक्शन करना ट्रेंड के हिसाब से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वो वाली शीट थी जो लास्ट टाइम हमने प्रिपेयर की थी, यहाँ पर हमने कीवर्ड्स हमने जो कुछ अच्छे सेलेक्ट किए थे, तो जैसे मैं एक एक कीवर्ड को यहाँ पर पुट कर देती हूँ और मैं देख लेती हूँ कि कहीं इनका ट्रेंड
कम तो नहीं हो रहा या फिर आने वाले टाइम में कम तो नहीं होगा। तो देखिए इसका कीवर्ड, देखिए मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग ये टॉपिक है, लेकिन अगर मैं ग्राफ की तरफ नजर डालूं तो ऐसा तो नहीं होगा कि इसका डाउनफॉल आ जाएगा, कभी ये ऊपर गया है कभी बहुत ज्यादा नीचे आया है, ठीक है, डाउनफॉल नहीं है इसमें, मतलब मुझे इस ग्राफ से सीधा पता चल रहा है, ठीक है। उसी के साथ ही अगर मैं इस वर्ल्ड वाइड को इंडिया यहां पर सेलेक्ट कर देती हूं, क्योंकि मेरे कीवर्ड में ऑलरेडी लोकेशन फिक्स है, ठीक है, तो आप देखेंगे तो अगेन यहां पर कई बार कीवर्ड ये बहुत ऊपर चला गया है, कई बार बहुत नीचे आ गया है। और अगर मैं बात करूं अगर पास्ट 5 ईयर्स की, तो इसका देखिए थोड़ा सा डेटा यहां पर चेंज हो जाएगा, तो अगेन इसमें काफी ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। सो मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये कीवर्ड जो है आउट ऑफ ट्रेंड जाएगा, ठीक है। वैसे ही मैं एक दूसरा कीवर्ड भी यहां पर पुट कर देती हूं, मेरा जो मैंने यहां पर सेलेक्ट किया था, ठीक है। सो ये देखिए इसका भी कुछ इसी तरह से यहां पर डेटा दिख रहा है, इसको भी मैं 12 मंथ्स में सेलेक्ट करके एक बार देख लेती हूं। तो 12 मंथ्स के हिसाब से कभी ये बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा है, कभी बहुत ज्यादा कम गया है। और तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा एक ट्रेंड का मुझे आइडिया मिल रहा है। उसी के साथ ही यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है गूगल ट्रेंड्स पर कि आप दो कीवर्ड्स को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मेरा जो दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे उनको मैंने क्या किया यहाँ पर एक दूसरे से कंपेयर करवाया, ठीक है। कंपेयर करने के बाद आप देखेंगे तो ये देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लू वाला मतलब दिस वन जो हमारा सेकेंड वाला कीवर्ड था और ये हमारा फर्स्ट वाला कीवर्ड था, इसमें से किसको सेलेक्ट करना चाहिए, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सबने ये थोड़ा बहुत ज्योमेट्री पढ़ा है, ग्राफ सबने पढ़े हैं अपने स्कूल में, सो थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट से बताइए, लॉजिक से बताइए कि कौन से कीवर्ड को मुझे लेना चाहिए, कौन से कीवर्ड को मुझे चूज करना चाहिए, ठीक है। सो ये वाला जो कीवर्ड है दैट इज रेड, रेड से जो मार्क हो गया देख सकते हैं आप, तो रेड वाले की मुझे हाइप ज्यादा दिख रही है, यानी इसका ट्रेंड ज्यादा दिख रहा है कंपेरेटिवली अगर मैं ब्लू की बात करूं, तो रेड वाला जो कीवर्ड है यानी होम क्लीनिंग सर्विसेज दिल्ली जो कि मेरा फर्स्ट कीवर्ड है वो मुझे चूज करना चाहिए अगर इन दोनों में कंपैरिजन की बात हो रही है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई है ना जिसे दो मेरे प्राइमरी कीवर्ड्स आ गए, तो मुझे कहीं जगह पर एक ही प्राइमरी कीवर्ड की जरूरत होगी, तो ऐसे में मैं होम क्लीनिंग सर्विसेज दिल्ली लूंगी, ना कि मैं हाउसकीपिंग सर्विसेज इन दिल्ली लूंगी, ठीक है। सो ये एक बहुत ही अच्छा टूल है जिसका अगर आपको पता है सही ढंग से तो आप इसका यूज बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। बेसिकली हम ट्रेंड देखने के लिए, उस टॉपिक का प्रेडिक्शन करने के लिए हम इस कीवर्ड का यूज लेते हैं। तो ये हमारा एक एनालिसिस था जिसका हम यूज कर सकते हैं। इसी जो भी आपने ये ग्राफ देखा ना, इसको हम बेसिकली शेयर भी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, और इसको मैं यहां पर डाउनलोड भी कर सकती हूं .csv फाइल में, ठीक है। तो इसको जब आप ओपन करेंगे तो इसका डेटा यहाँ पर डाउनलोड भी हो सकता है, ठीक है। सो ये हमारा एक एनालिसिस था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टॉपिक है ये ऑब्वियसली दिल्ली में ही बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन मैं आपको एक चीज यहाँ पर दिखा देती हूँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड है तो ये देखिए ये दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इंडिया की अगर मैं बात करूँ चंडीगढ़ में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, महाराष्ट्र में पॉपुलर है सबसे ज्यादा, और अगर मैं इसको वर्ल्ड वाइड कर देती हूँ लोकेशन को तो ये मेरे को कंट्री वाइज भी बता देगा। तो कंट्री वाइज एंगोला कंट्री में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में अभी बहुत ज्यादा ही पॉपुलर ट्रेंडिंग चल रहा है, ब्राजील में, वियतनाम में, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपको काफी सारे आइडियाज मिल जाएंगे, ट्रेंड का पता चल जाएगा, और जो भी अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए काम कर रहे हैं तो वहां सारी कंट्रीज आपको मिल जाएंगी और आप उसके अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस कर सकते हो। सो ये था हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ गूगल ट्रेंड्स। तो इस वीडियो में हमने देखा द कंप्लीट ट्यूटोरियल ऑफ गूगल ट्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कुछ नया सीखा होगा आई होप, एंड इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। कंप्लीट ये कोर्स चल रहा है द कंप्लीट एसईओ कोर्स, कंप्लीटली फ्री, जो आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा, डेली 2 वीडियोस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, सो मेक श्योर एक भी वीडियो आप मिस ना करें। थैंक यू सो मच।